जलथल मेरे जीवन का पल पल, जलथल से जीवन में हलचल, जलथल से जीवन में हलचल। अरे पेट पेट, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है, चारों ओर पानी ही पानी को देखकर मुझे कुछ कुछ होता है। इस बार चारों ओर जलथल है, और जहाँ जलथल है वहीं जीवन की हलचल है। पर पिट पिट, ये तालाब तो छोटे ही होते जा रहे हैं, तुम्हें चिंता नहीं होती? हाँ, नगरीकरण से हमारे जलभूमि में कमी आ रही है, इसका मुझे दुख है। जलभूमि? हाँ, जलभूमि नमी वाली जमीन को कहते हैं, जहाँ जमीन में पानी की सतह खूब ऊपर हो या जमीन पर छिछला पानी हो। जल और थल के मिले जुले पर्यावरण और जैविक तंत्र वाली भूमि को जल भूमि अर्थात वेटलैंड कहते हैं। इससे क्या फायदे हैं? पर इससे जीवन की हलचल कैसे रहती है? ये नम जमीनें बहुत उपजाऊ होती है, प्राणियों के लिए चारागाह और प्रजनन स्थल या ब्रीडिंग ग्राउंड का काम देती है। प्राणियों की वैविध्यपूर्ण प्रजातियां यहां खूब पनपती है। भारत में जल भूमि की क्या स्थिति है पिटपिट? हमारे देश में 130 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के कारण भौगोलिक और मौसमी वैविध्य वाले प्रदेश अब भी सुरक्षित हैं। भारत में हिमालय के उच्च प्रदेशों के सरोवर, बाढ़ वाले मैदानी प्रदेश जो नदियों के आसपास है, कुछ खारे और अल्पकालीन या टेम्पररी जल प्रदेश हैं। कहीं शुष्क और कहीं समशुष्क क्षेत्र हैं। सागर तटीय जल प्रदेशों में जल झील यानी लगूंस, नदियों के मुहाने, दलदले, भूंगों की चट्टाने आदि महत्वपूर्ण हैं। तो अब समझे, जल भूमि से जीवन में है हलचल।